राहें कठिन तो हैं मगर मगर। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करते हैं उन विशेष हस्तियों से जो अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए देश और समाज के लिए विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल हो सके और जो आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। साथियों, इस कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं श्री निपुण मल्होत्रा। इन्होंने अपनी एक संस्था स्थापित की जो आज देश की एक प्रतिनिधि संस्था है। ये संस्था दिव्यांग लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम। बचपन के दिन, मेरे पहले 5 वर्ष। प्यारे श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। CIET NCERT से मैं डॉक्टर इरम खान श्रृंखला की इस कड़ी में आपके साथ रहूंगी और मेरे साथ आज के विशेष मेहमान हैं मिस्टर निपुण मल्होत्रा। इनके साथ हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मिस्टर निपुण अपना परिचय आप खुद हमारे श्रोताओं को दें। थैंक यू मैम। जैसे आपको पता है, मेरा नाम निपुण मल्होत्रा है। मैं एक डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ था जिसका नाम है आर्थ्रोग्लोफोसिस, जिसका बेसिकली ये मतलब है कि जो मेरे हाथ और पैर हैं उनकी मसल्स पूरी डेवलप नहीं हुई थी जब मैं पैदा हुआ था और ज़िंदगी भर कभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होंगी। उसके कारण मैं एक व्हीलचेयर पे हूँ। मैं अपनी खुद की एक फाउंडेशन चलाता हूँ जो डिसेबल लोगों के लिए काम करती है काफ़ी इशूज़ पे। उसके अलावा मैं एक ऑटो कॉम्पोनेंट कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। आर्थ्रोग्लोफोसिस से जूझ रहे एक और शख्स को मैं जानती हूँ, ली पियर्सन, जो आर्थ्रोग्लोफोसिस के साथ पैदा हुए थे और अब तक वो पैरालंपिक खेलों में, घुड़सवारी से संबंधित खेलों में 10 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या को भी जीता जा सकता है। आप क्या कहते हैं निपुण इस बारे में? मेरे ख्याल से मैं आपके साथ पूरा सहमत हूँ। मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का भी सक्सेस का यही कारण हुआ है कि मेरे जो पेरेंट्स थे उनने हमेशा डिसाइड किया कि वो मुझे उन चीज़ों के लिए देखेंगे जो मैं कर सकता हूँ और उन चीज़ों के लिए नहीं जो मैं नहीं कर सकता। और आज मेरा ये मैसेज दुनिया में सबके लिए है कि अपनी ताकतों में कॉन्सेंट्रेट करो, ना कि अपनी वीकनेसेस पे कॉन्सेंट्रेट करके हमेशा दुखी हो। तो ली पियर्सन ने भी यही किया कि जो वो कर सकते थे, जिन खेलों में पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो उसमें बेस्ट रहे और इतना आगे बढ़े। जी। और ऐसे आई थिंक बहुत एग्जांपल्स हैं। अपने स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुना होगा, जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। जी। अगर वो अपनी डिसेबिलिटी के कारण मायूस हो जाते और घर पे बैठे रहते, आज सब उनको नहीं जानते। हेलेन केलर, जो विजडी चैलेंज और यर्निंग इंपैक्ट दोनों हैं, वो एक और एक इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है क्योंकि उन्हें किताबें लिखी, एक्टिविज्म किया, इतनी ज्यादा चीजें की। और मेरे ख्याल से चाहे कोई डिसेबल्ड हो या डिसेबल्ड ना हो, इस दुनिया में सभी लोग जब आते हैं वो अपनी एक तो अपने ही स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लाते हैं। सचिन तेंदुलकर सानिया मिर्जा जैसे टेनिस नहीं खेल सकता और सानिया मिर्जा सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट नहीं खेल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप पहले आइडेंटिफाई करो आप जो कर सकते हो और उसमें बेस्ट कॉन्सेंट्रेट करो। आई थिंक उसी से इंसान ज्यादा आगे बढ़ सकता है। वही ली पियर्सन की सीक्रेट ऑफ सक्सेस थी और वो मेरी सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी रही है। बहुत अच्छा। निपुण, आपके परिवार में कौन कौन है, मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। मेरे परिवार में सबसे पहले तो मेरे माता पिता हैं और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ अपने माता पिता के कारण ही पहुँचा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया ने जब मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखा, मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर विश्वास रखा और मुझे वो सब मौके दिए जो एक माँ बाप को अपने बच्चे को देने चाहिए। और उनकी मेहनत और उनके विश्वास के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनके अलावा मेरा एक घर पे मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे से 5 साल छोटा है, मानिक। और वो खाली मेरा छोटा भाई नहीं है पर मेरी ज़िंदगी में मेरा सबसे पहला दोस्त भी था। अच्छा अच्छा। तो मेरे भाई अभी MBA कर रहे हैं अमेरिका में। ओके। उनने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCOM ऑनर्स किया था। अच्छा। और उसके बाद 2 साल यहाँ इंडिया में काम करने के बाद वो MBA के लिए अमेरिका गए। अच्छा। निपुण, मुझे ये बताइए कि आपका बचपन एक तो कहाँ बीता और कैसा बीता? मैं बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल में पैदा हुआ था 1 सितंबर 1987 को। ये कहा जाता है कि मैं ना गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ था इनफैक्ट। और
कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी लोगों की जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स हटाती है और नए मौके देती है, पर मेरी जिंदगी मेरे माँ बाप की जिंदगी तो मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ कि गणेश चतुर्थी ने मेरे को दे दिया एज अ प्रसाद, यू नो। एक और मैं एक ऐसे टाइम पे पैदा हुआ था जब भारत का कोई डिसेबिलिटी लॉ भी नहीं था, इनफैक्ट हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 1995 में आए हैं, तो जब एक घर में एक विकलांग बच्चा पैदा होता था किसी को मेरे ख्याल से पता नहीं था कैसे रिएक्ट करें और क्या करें, तो मेरे माँ बाप काफ़ी डॉक्टरों के पास जाने लग गए, उनसे बात करने लग गए। और आपको हैरानी होगी सुन के कि एक डॉक्टर को हौसला देना चाहिए माँ बाप को ऐसे टाइम पे, पर कोई डॉक्टर था जिसने बोला कि ये एक लिविंग डॉल की तरह ज़िंदगी जिएगा, किसी और ने बोला इसकी गर्दन सीधी है तो हाँ इसको कम से कम जिंदा रखना ठीक है, उसके अलावा तो पता नहीं आगे क्या करेगा। और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे काफ़ी नेगेटिव चीज़ों के साथ मेरे पेरेंट्स के साथ, पर एक बुजुर्ग डॉक्टर था जिसने मेरे पेरेंट्स को बोला कि जो आपका ये जो बेटा है वो आपको हमेशा पेरेंटहुड के जॉयज देगा, चाहे डिसेबल्ड हो ना डिसेबल्ड हो, क्योंकि एक जो एक पेरेंट को अपने बच्चे के साथ खुशी होती है वो देगा। और मेरे ख्याल से उस डॉक्टर की वो जो बात थी जी। उसने मेरे माँ बाप को बहुत हौसला दिया। जब मैं पैदा हुआ था तब मैं तो फ्रैक्चर्स के साथ पैदा हुआ था क्योंकि मेरी मसल्स नहीं थी, तो जब मेरे को मेरी माँ के पेट से निकाला था तो मेरे हाथ पैरों में फ्रैक्चर हो गए थे। पहले 2 सालों में तो मैं हॉस्पिटल के अंदर बाहर होते गया, मेरी काफ़ी सर्जरीज भी हुई, तो इसलिए नर्सरी किंडरगार्टन तो मैं पूरी तरह से अटेंड भी नहीं कर पाया। अच्छा, तो पहले तीन चार साल की मेरी ये कहानी है। उसके बाद फिर जब आपने होश संभाला तो फिर आपका बचपन कैसा रहा? क्या दोस्त थे आपके बहुत सारे या आप अपने घर में ही खेलते कूदते थे पेरेंट्स के साथ? देखो पहले 4-5 साल में तो मैं काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि मेरे इतने ऑपरेशन हुए थे, तो मैं ज़्यादा बाहर, अगर आप सच बोलूँ तो मैं ज़्यादा बाहर जा भी नहीं सकता था। पर मेरी माँ को पता था कि कोई भी बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो यू नो चीज़ों को छू के चीज़ें सीख के होती है, तो मेरी माँ मुझे किचन में बिठाती थी और अलग किस्म की दालों को आटों को मेरे हाथों से छुवाती थी और बोलती थी ये क्योंकि टेक्सचर से टचिंग की बहुत, क्योंकि बच्चे तो क्यूरियस होते हैं वो हर जगह क्रॉल करके चले जाते हैं, मैं नहीं कर सकता था तो मेरी माँ मुझे जहाँ भी जाती थी घर के अंदर भी मेरे को साथ लेके जाती थी। और तो हाँ बेसिकली मैंने पहले 3-4 साल तो मैंने ज़्यादा घर के अंदर ही बताया। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी मदर ने आपको हर चीज को महसूस करना सिखाया। हाँ जी, हाँ जी। जो कि आजकल जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग है उसमें भी अब हम यही बात कर रहे हैं कि बच्चे हर चीज को टच करें, उसको महसूस करें टेक्सचर्स के हिसाब से और बाकी चीजों के हिसाब से चीजों को लर्न करें। हाँ जी। तो एक तरह से दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग जो आपकी मदर ने आपको दी। शायद इसी वजह से आप दुनिया को समझ पाने के काबिल बन पाए। मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली आपकी मदर के बारे में जान करके, क्योंकि वो एक ऐसी माँ हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से पाला पोसा है कि आप अपने जैसे लोगों के लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक रोल मॉडल की तरह से उभरे हैं जो किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं या फिर एक आम जिंदगी जीते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इंटरव्यू से बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी और उन सभी बच्चों को जो कहीं ना कहीं किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा, साथ ही उन पेरेंट्स को, विशेष रूप से माओं को भी इंस्पिरेशन मिलेगी जो अपने बच्चों की ऐसी समस्या से जूझ रही हैं, ताकि माता पिता की हिम्मत और हौसला हर बच्चे के बचपन के दिनों को यादगार बना सके। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ अपने माता पिता के कारण ही पहुँचा हूँ। वेरी गुड, शुक्रिया निपुण हमारे साथ अपने बचपन के दिन शेयर करने के लिए। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप फिर हमारे स्टूडियोज आएं और हम आपके साथ एक बार फिर आपके बचपन में सफ़र करना चाहेंगे। आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज मेरा ये मैसेज दुनिया में सबके लिए है कि अपनी ताकतों में कॉन्सेंट्रेट करो, ना कि अपनी वीकनेसेस पे कॉन्सेंट्रेट करके हमेशा दुखी हो। बचपन के दिन, मेरे पहले 5 वर्ष। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर एरम खान, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी, निर्माण एवं निर्देशन अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।